Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. माता सुमति ने सूर्य देव को उदित होने से रोक दिया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि जड़वत हो गई थी। जब देवराज के द्वारा निरंतर निवेदन करने पर भी माता ने उनकी एक न सुनी, तब निराश हताश होकर देवराज त्रिदेव के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। फिर क्या हुआ माँ? वो त्रिदेव जो सभी में सर्वोच्च है, जो अनंत हैं, अनादि हैं, उन्हें भी माता के समक्ष समर्पण करना पड़ा और वो याचकों के समान देवी सुमति के द्वार पर गुहार लगाने लगे। हे देवी, हम त्रिदेव आपके द्वार पर आए हैं, हमें अपने दर्शन दीजिए देवी। त्रिदेव यहाँ? देवी, सृष्टि के संकट को दूर करने हेतु हम स्वयं आपके पास आए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है, हमें दर्शन दीजिए। इतनी वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्रभु मेरे सामने नहीं आए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए, और इस नारी ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जो त्रिदेव इसके द्वार पर गुहार लगा रहे हैं और ये उनकी गुहार को भी नकार रही है। प्रभु, प्रणाम त्रिदेव। अहो भाग्य मेरे, जो आप त्रिदेव ने मुझे दर्शन देने की कृपा की, ज्ञात नहीं ये मेरे कौन से पुण्य के फल हैं। अपने पति के प्रति आपकी निष्ठा, उनके प्रति आपका अटूट प्रेम और आपका दृढ़ संकल्प ही आपका परम पुण्य है देवी। मेरी ये दुर्दशा उसी के कारण है। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ, वहां नृत्य आरंभ होता ही होगा। यदि ऐसा है प्रभु तो मुझे आशीष दीजिए। आयुष्मती भवती। मुझे आयुष्मती होने का नहीं, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। कितने अनुचित व्यवहार किए मैंने इसके साथ, किंतु ये फिर भी मेरे ही जीवन रक्षा का आशीष मांग रही है। मुझे ज्ञात है आप तीनों भी देवराज के समान मुझे अपनी सौगंध लौटाने का आदेश देने आए हैं। नहीं देवी, ये हमारा आदेश नहीं, ये आपसे अनुरोध है। हाँ देवी, सूर्यदेव को अपनी सौगंध के बंधन से मुक्त कीजिए और सृष्टि को महासंकट से बचाइए। अवश्य करूंगी प्रभु, किंतु उसके पहले आप ऋषि मांधव को मेरे पति को दिया उनका श्राप लौटाने को कहिए। नहीं कह सकते ना प्रभु, क्योंकि उन्होंने तब से श्राप की शक्ति अर्जित की है, तो मैंने भी पतिव्रत की शक्ति प्राप्त की है और मैं अपने पति की मृत्यु कदापि नहीं स्वीकार करूंगी। ये चाहती तो त्रिदेव की बात स्वीकार कर अपने लिए कुछ भी मांग सकती थी, किंतु इसने मेरे लिए उस अवसर को भी गवा दिया। तो क्या आप अपने पति के लिए संपूर्ण संसार को महासंकट में डाल देंगी देवी? मेरे संसार तो मेरे पति है प्रभु, अच्छे या बुरे वही मेरे सर्वस्व है भोलेनाथ। किंतु यदि आप चाहते हैं कि सूर्योदय हो तो मुझे वचन दीजिए, आश्वस्त कीजिए मुझे कि सूर्योदय होने पर मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। क्षमा करें तुम, ये तो हम भी नहीं कर सकते। किसी तपस्वी ऋषि के शाप को बदलने की शक्ति और अधिकार तो हम त्रिदेवों के पास भी नहीं है। और आपको एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण स्त्री से अपने पति को जीवन के रक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार है।
नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। जिस प्रकार आप असमर्थ हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। आप अपने मर्यादा से बंधे हैं, तो मैं अपने धर्म से। मैं भी अपने पति धन परायणता से कदापि नहीं डिगने वाली। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अत्यंत लज्जित हूँ, जिसको मैंने कष्टों के सिवा कुछ नहीं दिया, उसने मेरे जीवन की रक्षा के लिए त्रिदेवों को भी लौटा दिया। जब स्वयं त्रिदेव ही उन्हें मनाने में असमर्थ रहे, तो समस्त संसार सूर्योदय के बिना ही अस्त की ओर बढ़ता रहा। तो फिर विनाश की ओर बढ़ती सृष्टि की रक्षा किसने की माँ? ये एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणा साध्वी का प्रभाव था, और उस प्रभाव से मुक्त कराना और एक अन्य साध्वी द्वारा ही संभव था। यही विचार लेकर त्रिदेव भी देवी अनुसुईया के पास गए थे, जिन्होंने अपने पति धर्म और तपोबल की शक्ति से लोहे के चने को भी पका दिया था। उनका तपोबल इतना महान था कि उन्होंने त्रिदेवों को भी शिशुओं में बदल दिया था। फिर हम त्रिदेवियों के अनुरोध पर उन्हें उनका स्वाभाविक रूप लेने दिया। तब त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और शीघ्र देवी अनुसुईया चंद्रदेव के रूप में प्रभु ब्रह्मदेव की, ऋषि दुर्वासा के रूप में प्रभु महादेव की माता बनेंगी। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं प्रभु दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। तो क्या माता अनुसुईया के कहने पर माता सुमति मान गई? देवी सुमति, सूर्यदेव के किरणों से उनकी ऊर्जा से सृष्टि को जीवन मिलता है। यदि शीघ्र सूर्योदय नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। प्रलय का भय नहीं है मुझे माता, यदि उसे आना है तो वो भी आ जाए, किंतु मैं अपने पति के मृत्यु को उनके निकट नहीं आने दूंगी। किंतु देवी, मैं मृत्यु तो नहीं चाहता, किंतु मेरे बुरे कर्मों का फल कदाचित मृत्यु ही है। तो मेरे सुकर्मों का लाभ कब होगा स्वामी, जो मैंने आपकी सेवा करके एकत्रित किए हैं? मेरे सुकर्म आपको कुछ नहीं होने देंगे, मुझ पर विश्वास रखिए। ना मैं अपना सुहाग खोऊंगी और ना आप अपना जीवन। आप तो पुनः स्वस्थ होंगे, तब मैं आपको उस नृत्यांगना के पास ले जाऊंगी, जहां आप पुनः उसके साथ का आनंद ले सके। मुझे और लज्जित मत करो सुमति, मैं अन्य किसी का साथ नहीं, केवल तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम्हें सभी सुख देना चाहता हूं, अपने बुरे आचरण का प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक कर्तव्य परायण नारी का मन कोई और समझे ना समझे, एक धर्मनिष्ठ नारी अवश्य समझेंगी। मैं तुम्हारे मन का भाव समझती हूँ और वचन देती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारे पति की कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार तुमने अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा से सूर्य देव को रोका, उसी प्रकार मैं भी अपने पति धर्म के तपोबल से तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करूँगी। किंतु इस सृष्टि में अन्य अनेक पति धर्म परायणा स्त्रियाँ भी हैं, जो सूर्य देव के उदित ना होने से संकट में है। तुम उनसे उनके पति का जीवन तो नहीं छीन सकती ना? मेरा विश्वास करो, सूर्य देव को अपने सौगंध के बंधन से मुक्त कर दो। देवी अनुसुईया, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिएगा। हे सूर्य देव, मैं आपको अपनी सौगंध से मुक्त करती हूँ। आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं। जय 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 ज
यमराज का आगमन हो रहा है, आगमन, यमराज का आगमन हो रहा है, यमराज, यमराज का आगमन हो रहा है। मैंने जो वचन दिया वो भंग नहीं होगा देवी सुमति, आपके पति को कुछ नहीं होगा। जाओ दूत, उग्र शवस का समय आ गया है, उसके आश्रम में जाके उसके प्राण ले आओ। कोई स्थान नहीं है जहां यमराज के यमदूत न जा सके। अब मैं पुनः प्रयास करूंगा। मैं भी तो देखूं ये कैसी बाधा है जिसने मेरे दूत को आगे बढ़ने से रोक दिया। कैसे संभव है? मुझे तो अपना कर्तव्य भी निभाना है। प्रणाम त्रिदेव। प्रभु ये कैसा कवच है जिसे मैं भी भेद नहीं पा रहा हूँ? यमदेव, ये प्रायणता साध्वी देवी अनुसूया के संकल्प से निर्मित रक्षा कवच है। किंतु प्रभु, ऋषि मांधव के श्राप के अनुसार मुझे उग्र श्रवस की आत्मा को यमलोक ले जाना है। प्रभु, कितने वर्षों तक मैंने कठिन तपस्या की, उसकी तपोशक्ति और उस तपोशक्ति से दिया गया श्राप, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? यमदेव, जब एक पति धर्म परायण साध्वी के वचन के विरुद्ध सूर्यदेव उदित नहीं हो सके, तो आप एक अन्य पति धर्म परायण साध्वी द्वारा रचित सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकते हैं? हाँ, मैं देवी सुमति के पति का कोई हानि नहीं होने दूंगी। प्रभु, प्रभु, अब तो ये विचित्र धर्म संकट है। अब आप तीनों ही कोई उपाय सोचिए जिससे ऋषि मांधव का श्राप भी व्यर्थ ना हो और प्रभु मैं भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं और माता अनुसूया का वचन भी भंग ना हो। उपाय है, हे देवी, ऋषिवर के श्राप को निरर्थक मत होने दीजिए। यम देव को उग्र शवस के प्राण लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। और रहा प्रश्न आपके वचन की मर्यादा का, तो जब आप लोहे के चनों में प्राण फूंक सकती हैं, तो भला आपके लिए क्या असंभव होगा? मैं आपका आशय समझ गई हूं। धन्यवाद प्रभु। आपने ये क्या किया देवी? वचन दिया था आपने कि आप मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगी, फिर आपने क्यों अपना सुरक्षा कवच हटा लिया?
मैंने जो वचन दिया था वो भंग नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति को अवश्य लौटाऊंगी देवी सुमति। क्षमा कर दो सुमति, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। आपकी कृपा से मैं पुनः स्वस्थ भी हो गया माता, आपको कोटि कोटि नमन। ना ये मेरी कृपा है ना ये मेरा चमत्कार, ये तो मात्र और मात्र आपकी पत्नी सुमति के कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव है जो उसने अपनी कर्तव्य परायणता से प्राप्त किया है। मैं तो तुमसे दृष्टि मिलाने के योग्य भी नहीं, तुमसे क्षमा कैसे मांगू? प्रत्येक दुर्व्यवहार के बदले तुमने मुझे प्रेम दिया, मेरे क्रोध के बदले तुमने मुझे सेवा दी, मेरे प्राणों के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ गई, देव त्रिदेव सबके सामने अड़ी रही। ज्ञात नहीं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। मुझे क्षमा कर दो, अब अपने शेष जीवन में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। नहीं नहीं स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? भोर का भटका संध्या को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, आपको अपनी भूल समझ आई, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, मुझे आपसे किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। देवी बाहर सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम त्रिदेव, मैंने उस समय आपकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी सुमति, आपने तो ये प्रमाणित कर दिया कि एक पति धर्म परायण नारी यदि चाहे तो विधि का विधान पलट सकती है, इसलिए पति धर्म परायण नारी के विरुद्ध जाना संकट का संकेत है। मेरी बुद्धि में, मेरी दृष्टि में यह कैसा दोष था कि सुमति के निकट होते हुए भी मैं उसे उचित सम्मान नहीं दे पाया। आपने अपनी भूल स्वीकार कर देवी सुमति को सम्मान दिया और इसीलिए आपका रोग भी दूर हो गया। आप अपना यही आचरण बनाए रखिएगा और आज मैं अनुसुईया ये घोषणा करती हूँ कि जो भी पति अपनी पत्नी के महत्व को, उसके त्याग को ना समझकर उसका अपमान करेगा वो दुर्भाग्य का भागी बनेगा, क्योंकि पत्नी ही धन ज्ञान समृद्धि का प्रतीक है। जो अपनी पत्नी को नकारेगा वो इन तीनों को भी नकार देगा। और इस प्रकार देवी सुमति ने ये प्रमाणित कर दिया कि धर्मनिष्ठ स्त्री यमराज को भी रोक सकती है, उनका दृढ़ निश्चय त्रिदेव भी नहीं पलट सकते। और इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि निष्ठा विश्वास प्रेम समर्पण से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो योग्य होते हैं वो अपने आत्मबल से अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करते हैं। जिन देवी सुमति के कर्तव्य परायणता के भाव के प्रभाव से उनके पति की अकाल मृत्यु टल गई, उनके दर्शन से तो अपार सुख प्राप्त होगा। तब शुभ कार्य में विलम्ब कैसा पुत्र गणेश, हम उनके आश्रम के बाहर पहुंच चुके हैं। माँ, वो त्रिदेवों के पुकारने पर बाहर नहीं आई तो मुझे नहीं लगता
कि वो हमारे पुकारने पर भी आएंगी, क्योंकि वो तो अपने पति उग्र श्रवस की सेवा में व्यस्त होंगी। स्वामी विश्राम करिए। दिन का अंत हो चुका है, आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक आप गहरी निद्रा में लीन नहीं होते मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। माँ, मैं उन्हें बुलाने का प्रयास करूं? अवश्य पुत्र, इससे हमें उनके कर्तव्य निष्ठ आचरण का एक और उदाहरण मिलेगा। माता सुमति, मैं गौरी नंदन और लक्ष्मी पुत्र गणेश आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ माँ लक्ष्मी भी हैं। कृपया हमें भीतर आने की अनुमति दीजिए। स्वयं गौरी पुत्र और लक्ष्मी पुत्र गणेश आए हैं यहाँ। मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ, किंतु स्वामी की सेवा छोड़कर कैसे जाऊँ? मैंने तो उन्हें वचन दिया है, जब तक वो गहरी निद्रा में लीन नहीं हो जाते मैं इसी प्रकार उनकी सेवा करूँगी। माँ, मैंने कहा था ना, उनकी अपने पति के प्रति निष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो ऐसे ही नहीं आएंगी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं बिना स्वामी की निद्रा में बाधा डाले गजानन के दर्शन सुख का लाभ उठा सकूं? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं उठकर आपको प्रणाम नहीं कर सकती, क्योंकि स्वामी अभी निद्रा मग्न हुए हैं और मैं उठी तो उनकी निद्रा टूट जाएगी। कितना अच्छा होता यदि मैं उचित प्रकार से आपका स्वागत कर पाती, आपके चरण पखारती, आपको आश्रम में आसन प्रदान करती। आपने उचित ही कहा था माँ, माता जब अपने स्वामी की सेवा में लीन है तभी उनको पुकारने से हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण की शक्ति का ज्ञान होगा। आओ पुत्र। गहरी निद्रा में चले गए तो अब मैं माता लक्ष्मी और गणेश जी की दर्शन कर सकती हूँ। प्रणाम 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 देवी सुमति। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना माता, मैं आपके आगमन पर आपका उचित स्वागत नहीं कर सकी। नहीं माता, आपकी पति धर्म निष्ठा का परिचय पाकर तो हम भी धन्य हो गए, वही हमारा उचित स्वागत था। मुझे आज्ञा दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। माता लक्ष्मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी सुमति, हम सेवा के लिए नहीं आपके हल्दी कुमकुम सत्कार के लिए आए हैं।
यदि आपकी अनुमति हो तो माता, मैं आपके अनुरोध को तो आदेश मानती हूँ। आपकी किसी बात को कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? आप मेरा सत्कार करें, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। धन्यवाद माता। गणेश, धन्यवाद माता। देवी सुमति, अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको इस प्रकार यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकती। किंतु माता, माँ का प्रण तो तभी संपन्न होगा जब हम माता सावित्री के पास जाकर उनका भी सत्कार करें। हमें अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है, किंतु ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि यहाँ मेरे अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिन्होंने सूर्य देव तक को रोक दिया, वो चाहे तो हमें भी रोक सकती हैं। फिर माता सुमति को कैसे मनाएं? माता हमें अकारण तो नहीं रोकेंगी, फिर हमें जाने की अनुमति नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? आपके मुख के भाव मैं समझ सकती हूँ। जाने की अनुमति दूंगी, अवश्य दूंगी, किंतु जब तक मैं अपने हाथों से गौरी नंदन और आपके पुत्र प्रभु गणेश को भोजन नहीं करा लेती माता लक्ष्मी, तब तक मुझे संतोष नहीं मिलने वाला। उचित है देवी। हाँ माता, इतनी लंबी यात्रा के बाद भूख तो लग गई है। ये लीजिए गणेश जी, ये भी खाइए। वाह माता, आनंद आ गया। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। भूख मिट गई पर मन नहीं भरा, किंतु अब तो जाना भी है ना। हमें आज्ञा दे। प्रणाम माता, प्रणाम देवी सुमति, प्रणाम गणेश जी। तुम्हें तो यहाँ आकर दो दो लाभ हो गए पुत्र, देवी सुमति के दर्शन भी मिले और भरपेट भोजन भी। हाँ माँ, भोजन से तो पेट भर गया, किंतु किंतु क्या पुत्र? किंतु मन नहीं भरा। क्यों? भोजन इतना स्वादिष्ट था। भोजन तो स्वादिष्ट था ही माँ, उससे मेरा पेट तो भर गया, परंतु मन नहीं भरा। मन तो धर्मनिष्ठ साध्वियों की कथाओं को सुनकर ही भरेगा। तो मुझे माता सावित्री की कथा सुनाइए ना माँ। चिंता मत करो पुत्र, हम शाल्वे देश में स्थित माता सावित्री के राजभवन की ओर ही बढ़ रहे हैं। राजभवन माँ? उनका निवास आश्रम में नहीं, वो तो एक साध्वी है ना? हाँ पुत्र, अपने धर्म और कर्म से ही उनकी गिनती श्रेष्ठ साध्वियों में होती है। क्योंकि देवी सावित्री तो एक राजपुत्री थी और अब एक राज्य की रानी है। किंतु पुत्र, इतनी सरलता से उन्हें राजभवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। देवी अरुंधति के पास उनकी धर्मनिष्ठा के साथ प्रेम की अद्भुत शक्ति थी
और देवी सुमति के पास उनके पति के प्रति कर्तव्य बोध और दृढ़ निश्चय की अद्भुत शक्ति थी, और देवी सावित्री के व्यक्तित्व में तो ये दोनों ही गुण समाहित थे। ऐसा आत्मविश्वास था उनमें कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। उन्होंने तो वो कर दिया जो किसी के लिए संभव नहीं। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। आप मेरे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते यमराज। नहीं, नहीं। धर्मनिष्ठ व्यक्ति जब पूर्ण श्रद्धा और लगन से अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो निश्चय ही उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।